ये है अंजलि, बहुत ही जिद्दी और घमंडी। आज अंजलि का बर्थडे है। उसके फ्रेंड ने उसको ढेर सारे गिफ्ट दिए, पर फिर भी सुनो जी, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे आईफोन 12 दिला दो। अरे मैं कहाँ से दिलाऊँ तुम्हें आईफोन 12, इतनी तो मेरी महीने की इनकम भी नहीं है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम रुक जाओ थोड़े दिन। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस चाहिए चाहिए चाहिए। अरे मैं नहीं दिला पाऊंगा, अभी कहाँ से दिलाऊँ, तुम समझ सकती हो ना मैं कैसे दिला पाऊंगा अभी। कहीं से भी लाओ, मुझे तो बस चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, आप मेरी एक भी विश पूरी नहीं करोगे? देखो मुझे शाम तक मोबाइल आ जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तुम अब कहीं से भी लाओ। अरे अंजलि बहू, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें सुबह इतने सारे लोग गिफ्ट दे गए हो, फिर भी तुम खुश नहीं हो, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे नहीं चाहिए वो सारे गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट मेरे पास पहले बहुत डले हैं। आपके बेटे से एक आईफोन मांगा, बोले दिला नहीं सका। अरे बहू, मैं इस विषय में बेटे से बात कर लूंगी। और तुमने खाना भी नहीं खाया, एक काम करो तुम खाना खा लो, ठीक है ना? नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना है। आप ही खा लो खाना, मुझे नहीं खाना। अरे बहू भूखा मत रहो, भूखी रहोगी तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा और तुम कमजोर हो जाओगी, दुबली हो जाओगी। खाना खा लो बेटा, खाना तो पहले, और टेंशन तो बाद में होती रहती है। मुझे नहीं खाना, आप ही खा लीजिए। अंजलि की सास उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो तो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। सुमित्रा अपनी हार मानकर वहां से चली जाती है। किसी को मेरी कद्र भी नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब सबको पता चलेगा। अरे बेटा तुम उदास क्यों हो इतने? अरे मम्मी पता नहीं अंजलि कहाँ गई, मैंने सारे घर में देख लिया, देख नहीं रही कहाँ गई, काफी देर हो गई। कहाँ गई बेटा, बहू कहाँ गई? पता नहीं मम्मी, मैं बाहर देख कर आता हूँ। ठीक है, हाँ देख के आओ बेटा। आप यही रहना। अंजलि घर से गुस्से में रात के 12 बजे वहाँ से चली गई। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, ना ही आसपास कोई दुकान। हे भगवान, आसपास तो कोई भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगने लगी। कुत्ते कहाँ पर भौंक रहे हैं? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लगने लगा। भागो यहाँ से, कहीं कुत्ते मेरे पास ना आए। अरे तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठी हो? हाँ बोल बोल, क्यों नहीं रे, गूंगी हो क्या तुम? अरे बोलो कुछ तो। हे भगवान, कि मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो फिर मैंने कुछ पूछा उसका जवाब तो दो। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अर्चिता। अच्छा, लेकिन 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 क्या अर्चिता, बोलो कुछ। पर कोई भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता, कोई कहता है बेकारन, कोई कहता है कचरे बीनने वाली बेकारन। अर्चिता तुम यहाँ पे क्यों रहती हो? तुम्हारा कोई है नहीं है क्या इस दुनिया में? नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, यही कूड़ा कचरा मेरा घर है। पागल हो क्या, कैसी बातें कर रही है? कूड़ा कचरा किसी का घर रहता है क्या? और तुम्हारे भाई बहन और मम्मी पापा कहाँ पे हैं? मेरे मम्मी पापा तो ऊपर भगवान के पास चले गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? मैं खुद ही रख लेती हूँ अपना ध्यान। और तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? शादी से पहले मेरे मम्मी पापा, और शादी के बाद मेरा पति और मेरी सास मेरा ध्यान रखते हैं। तुम्हें पता आज मेरा बर्थडे है? अरे ये बर्थडे क्या होता है और कैसा होता है, मुझे पता नहीं है मुझे। अरे बर्थडे वो होता है जिस दिन अपन पैदा होते हैं ना, उसी दिन को बर्थडे बोलते हैं। तो हर्षिता तुम इस कूड़े में क्या ढूंढ रही थी?
मैं यहाँ खाने की चीजें ढूंढ रही थी, मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया तुमने? हाँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ठीक है, चलो चलो। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ध्यान रखती थी, और मैं ही घर छोड़कर चली गई। तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुम्हें इतने अच्छे देखभाल करने वाले माँ बाप मिले हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बहुत ही लक्की हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अरे बहू तुम कहाँ चली गई थी, मैंने सारा घर छानवारा ढूंढ के। एक बात है, तुम ऐसा मत करना, मैं मेरे बेटे से कह करके तुम्हें आईफोन दिलवा दूंगी बहू, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा मत करना बहू, तू ही तो मेरा एक सहारा है बड़ा, फिर तू छोड़ देगी घर को तो किस घर का क्या होगा, घर तो नर्क बन जाएगा बहू। ऐसा मत करना बहू कभी भी। हाँ और हम तुम्हें आईफोन क्या दुनिया की चीज दिलवा देंगे मैं बेटा से कह करके, ठीक है बहू? मम्मी जी मुझे आईफोन नहीं चाहिए अब। अरे बहू तुमको आईफोन नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट दूं बहू, बताओ? तुम जो तुम्हारी इच्छा होगी ना वही दूंगी मैं तुम्हें, बताओ। और ये ना तुम्हारे साथ ये कौन है लड़की है प्यारी सुंदर सी, ये कौन लड़की है बेटा? अरे माँ जी मुझे बाहर मिली थी बेचारी, इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं खाया इसने। अच्छा कोई बात नहीं है, ये भी तुम्हारा घर है और इसको खाना मैं दूंगी, ठीक है ना? आज से ये मेरी बेटी है। मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए बर्थडे गिफ्ट, बस आप इसे अपने घर में रख लीजिए, यही मेरा गिफ्ट होगा। अच्छा हाँ मम्मी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मैं इसे घर में रख लूंगी, ठीक है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, अब तो खुश हो ना? हाँ मम्मी, ठीक है बेटा, आज से अपन दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है? ठीक है तो मैं चलती हूँ, ठीक है बेटा, है अच्छे रहना है, कभी ऐसा मत करना। आज से अपन दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है? कोई तुम्हें किसी भी नाम से नहीं बुलाएगा, तुम्हारे नाम से ही बुलाएगा, ठीक है? अर्षिता नाम से, ठीक है? ठीक है। हाँ आप कितनी अच्छी हो ना दीदी, आप मुझे घर ले आई, वरना कोई तो मुझे घर भी नहीं लाता और मुझसे सब पता नहीं क्या क्या। अब तुमसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? अब तुम हमारे घर पे ही रहना, यहीं खाना यहीं पीना सब तुम्हारा यहीं होगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह रखूंगी, ठीक है? ठीक है, आज से अपन दोनों साथ में रहेंगे।